नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है सिटी फास्टर 24/7। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शॉर्ट ऐसे जिसका टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, यह ऐसे SSC MTS टीयर 2 और SSC CHSL एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अतः आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आने वाले एग्जाम में इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, एक बात और आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम समय समय पर ऐसे ही एसेज अपलोड करते रहेंगे जिनसे आप आने वाले SSC MTS टीयर 2 एग्जाम में लाभ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार है, धरती के लगातार बढ़ते तापमान स्तर को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किसी एक व्यक्ति या एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि आज ये पूरे विश्व की, इस पूरी धरती की सबसे बड़ी समस्या है। अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी धरती का विनाश हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ऐसे के मुख्य भाग में। तो इसमें पहला पैराग्राफ है, सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती हैं और फिर वहीं से परावर्तित होकर पुनः लौट जाती हैं। अधिकांश ग्रीन हाउस गैसें धरती के ऊपर एक प्रकार से एक प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं। यह आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है और इस धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखता है। ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होने पर यह आवरण और भी सघन हो जाता है। ऐसे में यह आवरण सूर्य की अधिक किरणों को रोकने लगता है, जिससे धरती के वातावरण के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। अब आते हैं अगले पैराग्राफ में। तो इसमें है, धरती पर इन गैसों के बढ़ने का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल, फैक्ट्रियों का धुआं, लगातार बढ़ती जनसंख्या और जंगलों की कटाई है। धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। बढ़ते तापमान की वजह से ओजोन परत में क्षरण, ग्लेशियरों पर जमी बर्फ का पिघलना, समुद्र जल स्तर का बढ़ना, बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी, कई तरह की बीमारियाँ आदि का खतरा बढ़ रहा है। अब आते हैं दोस्तों कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन कुछ इस प्रकार है, आज दुनिया के सभी विकसित और विकासशील देश ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के प्रति चिंतित हैं। अब समय आ गया है कि इस समस्या से निपटने के लिए सार्थक प्रयास किए जाएं। यह जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं है, हम सभी को पेट्रोल, डीजल और बिजली का उपयोग कम से कम करना होगा, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा, जल का दुरुपयोग रोकना होगा, सार्वजनिक यातायात का अधिकतम प्रयोग करना होगा आदि। इन सभी उपायों से इस गंभीर समस्या से निपटा जा सकता है। तो दोस्तों, यह रहा कंप्लीट ऐसे ग्लोबल वार्मिंग पर। दोस्तों, यह ऐसे आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।